हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लर्न किचन गार्डनिंग में तो सब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लो बजट गार्डनिंग स्टार्ट कैसे करें, जीरो बजट गार्डनिंग भी आप इसको कह सकते हैं। मींस अगर आप गार्डनिंग में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कैसे गार्डनिंग शुरुआत की जाए ताकि हार्वेस्ट भी होए और सक्सेस रेट भी बढ़ जाए। तो आइए आज हम बात करते हैं उसी टॉपिक। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा हम आपको अपने प्लांट्स के ऊपर भी दिखा देते हैं कि मानसून आया ना आया बराबर है, मौसम बस बना है। वो देखिए कितने काले बादल हैं। वो देखिए मानसून बना बस है लेकिन पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हमने सोचा। और हाँ, अभी जो सीरीज चल रही थी अपनी हाउ वी स्टार्ट किचन गार्डनिंग, उस पर अगला वीडियो आएगा कल। अगला वीडियो कल उस पर आएगा, वेजिटेबल केयर के ऊपर आएगा, हाउ वी ग्रो ब्रिंजल। ठीक है, तो उसके ऊपर कल वीडियो आएगा। तब तक आज हम बात कर लेते हैं लो बजट गार्डनिंग की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, थोड़ा बगिया देख ले पहले, ये देखिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स हम आज बात करेंगे कि कोई कुछ लोग होते हैं कि जो कि गार्डनिंग में शुरुआत से ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। कि कोई लोगों को लगता है कि बहुत महंगा शौक है बागवानी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शुरू में इन्वेस्ट मत कीजिए ज़्यादा। बहुत ही अच्छे सरल तरीके से हम आपको गार्डनिंग की टिप्स देंगे। अब बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स हम आपसे बात कर लेते हैं, चलिए आइए। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि गार्डनिंग में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बोला गया है कि 18x18 का पॉट लेना है। आजकल ग्रोबैक्स की डिमांड बहुत बढ़ गई, ग्रोबैक्स बहुत चल रहे, तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप 18x18 का पॉट ही लें। नहीं, 18x18 का पॉट लेना ज़रूरी नहीं है। आप उसकी जगह बोरी भी ले सकते हैं। जैसे कि हम बोरी पे ही उगाते हैं। हमने अभी कोई ऐसा इतना हैवी वेट पॉट नहीं लिया, इतना कॉस्टली ग्रोबैक नहीं लिया। इतने ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको गार्डनिंग में। हम आपको दिखाएंगे अभी कि हमने काय में उगाया है। ये सब पॉट्स तो हमारे ये सब पहले के हैं। ये देखिए जैसे कि ये बोरी है, ये बोरी में आप शुरुआत में उगाइए। शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं है किचन गार्डनिंग में आपको कि आप उसमें ग्रो करें। ये आप देख सकते हैं ऐसा जो वेस्ट टब होता है पानी का, इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। सब चीज़ में कोई भी चीज़ गार्डनिंग की वेस्ट नहीं होती है। फ्रेंड्स आप कुछ में भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा कैमरा सेट कर लें। फ्रेंड्स हम आपसे बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी आप शुरुआत में ग्रो बैग ना लें 18x18 का। अब बोरी से स्टार्ट करें। अब बात आती है कि चलिए हमने कंटेनर तो ले लिया, अब मिट्टी कहाँ से लाएं। तो हम मिट्टी पे बात करें तो आप मिट्टी जो कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे घर वगैरह बनते हैं, आप उधर से मिट्टी ले आए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पड़ेगी। मींस आपको ज़्यादा स्पेंड करने की अभी स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं। हम अभी तक स्पेंड नहीं करते हैं, स्टार्टिंग की आप छोड़िए। तो फ्रेंड्स ऐसे फिर जैसे जैसे आप सीखते जाए गार्डनिंग स्टार्ट करते जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी देखिए ये जो ये बोरी भी लगी हुई है, ये बोरी में लगी हुई है लौकी, कितनी अच्छी बढ़त ले रही है। गिलकी लगी हुई है बोरी में, ये इधर ये बाजू में ये गिलकी ब्लू कलर की बोरी दिख रही है, इसमें गिलकी लगी हुई है। हम आपको गिलकी का फ्रूट भी दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा ये है ना, ये फ्रूट ये है ना, ये देखिए ये कितना बड़ा फ्रूट है गिलकी का, कितना बढ़िया फ्रूट है। बस आपको थोड़ा सा गोबर खाद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाकी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है गार्डनिंग में। और हम बात करें कि सीड्स की, तो आप सीड्स भी महंगे महंगे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। 10-20 रुपए का हाइब्रिड का पैकेट आ जाता है, आप एक बार ले सकते हैं। हाइब्रिड नहीं उगाना चाहते तो आप देसी उगा सकते हैं। बारिशों में देसी जैसे लौकी है, तोरी है, करेला है, ये सब देसी उगाइए। इसके बीज आप सुखा लीजिए तो अगले साल आपको वही यूज़ आ जाएगा। मीन्स हम आपको बता दें कि आप घर में जो करेला आता है आप उसका सीड निकाल लें, उसको ड्राई कर लें, एक दो दिन पानी में वॉश करके आप उसमें उगाएंगे, उसको मिट्टी में उगाएंगे, बहुत ही जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा। हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही तो आप 5-10 दिन बाद कर सकते हैं। जैसे भट्टा है, इसके आप बीज ले सकते हैं, मिर्ची के बीज ले सकते हैं, मिर्ची के आप अपने किचन से बीज ले लें। पुदीना आप ग्रो कर सकते हैं स्टार्टिंग में। आप कुछ ग्रो मत कीजिए, पुदीना ग्रो कर लीजिए।
पुदीना है बहुत ही आसानी से, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पुदीना को भी दिखाते, ये देखिए ये पुदीना है, ये हमारे ये जो पुदीना है हमने इसको कटिंग से ग्रो करा था, सिंपली बस कटिंग इसकी लगा दी थी, 15 दिन में ये इतनी अच्छी शूट आउट हो गई। तो देखिए आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे सीड, हम आपको करेले का सीड भी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे ये करेले के सीड है, हमने ये करेले को सुखा लिया था, जो घर में आया था लंबा वाला करेला उसको सुखा के पानी में भिगो लिया था, अब इसको हम जर्मिनेट करेंगे। हम आपको और अगर वेस्ट चीज़ों की बात करें तो वेस्ट प्लांटर, साथ इस तरह का वेस्ट प्लांटर ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये कितना वेस्ट है, ये एक ट्रे है सीधी, सिर्फ एक ही ट्रे है, इसमें पालक, मूली, सॉरी मूली नहीं, पालक, लाल भाजी, मेथी, ये आप ग्रो कर सकते हैं। ये आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है आपको, ये शक्कर की पन्नी, मधुर शुगर की पन्नी है, इसमें आप टमाटर मिर्च आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो मींस हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है, आज का वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको बताना कि क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है गार्डनिंग में, नहीं, इसका आंसर है नो, गार्डनिंग बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपको दिख रही होगी एक बाल्टी रखी हुई है, पेंट की बाल्टी है ये, आप घर में निकलती है, आप इसमें ग्रो करिए। देखिए तो पहले हम आपसे बात करते हैं पॉट साइज़ के बारे में, पॉट साइज़ आपको 18x18 की, जैसे ये बोरी है, ये वाली ये बोरी है, ये बोरी आप ले सकते हैं कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट से, आप मिट्टी लें, इसमें 10% के करीब, अगर आपकी चिकटा मिट्टी है तो 10% के करीब आप इसमें रेत मिला लें, और बाकी 50% गोबर खाद के साथ आप लौकी लगाइए, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये ग्रो बैग्स है, ये ग्रो बैग हमने 5 साल बाद लिया गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए। देखिए ग्रो बैग इस टाइम पर बहुत आ रहे हैं, तो हम आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते हैं अभी ग्रो बैग की, आप ज़्यादा स्टार्टिंग में भी ग्रो बैग्स मत लीजिए, ये साइज़ का लेना चाहें तो ये हम आपको इसकी कॉस्ट बताइए, 220 रुपये के 2 ग्रो बैग हैं, 220 रुपये के आप ये 2 ग्रो बैग ले लें, इसमें बहुत ही अच्छे से लीफी वेजिटेबल्स, गोभी वगैरह उग जाएगी। अब जैसे गोभी का सीज़न आ रहा है तो आप क्या करें कि डिब्बा ले लें, कार्टून होता है ना, कार्टून होता है कार्डबोर्ड का, वो कार्टून में भी आप बहुत ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे पॉड और सॉइल मिक्स की बात हुई, अब हम सीड्स की बात कर रहे थे तो हमने आपको ये दिखाया ही कि ये करेले के सीड है, ये आप करेले के सीड इस टाइप से आराम से ले सकते हैं। बैंगन की बात करें, कुछ थोड़ी सी आज हम बात बैंगन की भी करने वाले हैं, एक मिनट कैमरा सेट करना पड़ता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये हमारे यहाँ ऐसे कई बैंगन के ये प्लांट हैं, ये देखिए, ये बैंगन लगा हुआ है, बैंगन में आज हम इसमें प्रूनिंग करेंगे, पिंचिंग करेंगे, ये देखिए ये पिंचिंग हमने ऐसे इसको पिंच कर दिए, ये देखिए ये सिंपली आप ऐसे पूरा भी, ये पिंचिंग का बहुत ही अच्छा सीजन है, पिंच करने से क्या होता है न्यू शूट्स बढ़ते हैं। ये बैंगन भी आप ये शक्कर की पन्नी में आराम से ग्रो कर सकते हैं, ये देखिए इतने बढ़िया सभी तो इतने बैंगन लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा, और हम आपसे सजेस्ट करना चाहेंगे अगर आप फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं, अगर आप फ्लावर ग्रो करते हैं तो फ्लावर्स के लिए भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जैसे ये हमारे ये पोर्चुला का है, ये फ्री में आ जाता है, समझिए आप कहीं से भी कटिंग ले लीजिए, अगर आप हमारे पास में रहते हैं जबलपुर में हम भी आपको इसकी कटिंग दे सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये, तो आप इसकी कटिंग्स ले सकते हैं, कटिंग्स ग्रो हो जाएगा। और जैसे गेंदा है, गेंदे के बीज रहते जो पूजा के लिए आते हैं, आप उसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आराम से ग्रो हो जाएगा। सदा सुहागन है, ये लगा हुआ है हमारे यहाँ, ये सदा सुहागन विनका का प्लांट, ये बहुत ही आराम से ग्रो हो जाता है, इससे पॉलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं ना। तो मीन्स गार्डनिंग ज़्यादा महंगा शौक नहीं है, ये हमारी ये गिलकी वगैरह है, मिर्ची है, ये सब 30% सॉइल के साथ उग जाती है, रोज़ की कटिंग आप लगा लीजिए। मीन्स हमारे कहने का मतलब ये कि ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक बात और कर लेंगे, बेलों के लिए सपोर्ट कैसे बनाएं, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था, ये देखिए आप इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मचान बनाइए, स्टार्टिंग में आपको क्रीपर नेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने सीधा ये सहारा, ये ऐसे लकड़ी से ये सहारा दिया, ये इधर से ये ऐसी रस्सी,
ये पूरी ऊपर तक ऐसे जाती है, ठीक है। ये पूरी ऐसा, ये उधर पे था, दो बेलें थी गिलकी, ख़राब हो चुकी। देखिए कितने बढ़िया ये गिलकी लगी हुई है, थोड़ा सा लीफ कर ला इसमें, बस उसको भी हमने ट्रीट कर लिया है अभी तो। ये देखिए लौकी में फीमेल फ्लावर आया है। कभी कभी ऐसा होता है फीमेल फ्लावर है लेकिन मेल फ्लावर नहीं है, ये वही हुआ है, समझिए आप। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही अच्छी, अभी हमारी फ़िलहाल ग्रोथ चल रही है सारे ही प्लांट्स की, बारिश होगी तो और अच्छी होगी। जैसे जैसे आप हमसे सीरीज से जुड़े रहेंगे, हाउ टू स्टार्ट लो बजट गार्डनिंग। हाँ एक चीज़ हम आपको और दिखाना चाहेंगे, जो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है ना, ये देखिए, ये वो पाँच खंड का रखा है, वो रखा हुआ है, ये देखिए पाँच खंड का। वैसे ये दो का है, तो इसमें भी हमने सॉइल भर के टमाटर बैंगन की, ये बहुत ही अच्छा है। तुलसी जी के प्लांट है फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो करने के, और अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बात करेंगे तो आप वो लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी सीज़न चल रहा है कुंदरू का, कुंदरू की बेल कटिंग से लग जाएगी, बस सीड्स में 10-20 रुपए का है आपका इन्वेस्टमेंट, बाकी तो और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।